रामपुर के समीप नोगली में सतलुज तट पर सर्च ऑपरेशन में लगी टीम को आज एक महिला की लाश मिली। पुलिस और फायर ब्रिगेड की सहायता से शव को सतलुज तट से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शिनाख्त के लिए शव को महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी शव गृह में पहुंचाया, जहां पर शव के बाएं हाथ में बने टैटू से महिला के परिजनों ने शव को पहचाना। समेत त्रासदी के बाद पानी के तेज बहाव में बहे लोगों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शव को देखने के बाद परिजनों ने बताया कि शव कल्पना का है। कल्पना कुमारी पत्नी जयसिंह ग्रीन को हाइड्रो प्रोजेक्ट में कार्यरत थी। वो 31 जुलाई की मध्य रात्रि को समेज खड्ड की बाढ़ में अपने दो मासूम बच्चों समेत बह गई थी। SDM रामपुर निशांत तोमर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक 15 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह 10:30 बजे नोगली में सतलुज किनारे शव होने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत उनकी टीम मौके पर पहुंची और शव को पुलिस की सहायता से नदी किनारे से बाहर निकाला गया। ये बॉडी आज हमें नोगली के नजदीक सतलुज नदी के किनारे पर पड़ी हुई मिली थी, जो कि एक लेडीज की डेड बॉडी थी। तो इसको निकाल दिया बाहर? जी हाँ, हमने इसे रेस्क्यू करके मेरे और मेरे कर्मचारी साथियों पुलिस वालों ने इसे वहां से निकाल के सड़क तक लाकर पुलिस के हवाले कर। बता दें कि 31 जुलाई की रात को आई त्रासदी ने भयानक तबाही मचाई थी, जिसमें पूरा का पूरा समेज गांव गायब हो गया था और कई लोग बाढ़ में बह गए। बीते रोज भी लुहरी के समीप सतलुज तट पर बागी पुल की महिला का शव मिला था। धीरे धीरे बाढ़ में बहे लोगों के शव अब मिलना जारी हो गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kesri।